हेलो गाइस, तो ये मैंने जो कुटर लाई थी उसमें कुछ तो भी धान था थोड़ा बहुत, जो भी ग्रो हो चुका है, स्प्राउटिंग हो चुकी है, और इस वजह से ये इसके रूट्स काफ़ी घने हो चुके हैं। तो जब ये सड़ेंगे तो मतलब जो मिट्टी होगी वो काफ़ी ह्यूमिस होगी, और उस वजह से प्लांट्स की जो रूट्स होंगी, जो इसमें मैं जो प्लांट्स ऊपर से डालूंगा वो काफ़ी अच्छे से ग्रो होगा, क्योंकि नीचे बहुत सारी हवा खेलती रहेगी। यहाँ पे कुछ मशरूम्स भी ग्रो कर रहे हैं, जो मुझे नॉलेज ना होने के वजह से मुझे ये नहीं पता कि वो एडिबल है या नहीं, पर काफ़ी सारे छोटे छोटे मशरूम्स यहाँ ग्रो कर रहे हैं अभी। फिर भी मैं नहीं चाहूँगा कि मेरे प्लांट्स को कोई फंगस लगे, इसलिए मैं इनको खुला कर रहा हूँ और इनको यहाँ पे टब में सड़ाऊँगा ताकि अच्छे से सड़ जाए। और ये जो पराली हैं ये मैं यहाँ पे कंटेनर में डालूँगा अब सारी की सारी, और इसमें अच्छे से पानी डाल के इसको मॉइस्ट करूँगा, जिससे इस तरह से इसमें रूटिंग आएंगी। आप इस ऊपर के मतलब यहाँ के नीचे के पोर्शन, जो इस बोरी का नीचे का पोर्शन है, उसे देख सकते हैं, जिसमें बहुत सारे रूट आ चुके हैं, मतलब काफ़ी अच्छी ग्रोथ हुई है इन परालियों में लगी हुए धान की। हालांकि ये धान उस क्वालिटी का नहीं है कि आप अगर खेत में लगाओगे तो बहुत अच्छा आपको आउटपुट मिलेगा, पर फिर भी अब इसको पूरी इसको उठाल के यहाँ पे अंदर डाल दूँगा इसको। तो मार्केट में से या मैं जो अपनी छांछ होती है वो डाल के इनको डिकम्पोज करने के लिए रखूँगा। हालांकि पहले इनको थोड़ा बहुत ग्रो होने के लिए मैं रख देता हूँ, ताकि जितनी इनकी ग्रोथ मैक्सिमम हो सकती है वो हो जाए, क्योंकि इनमें काफ़ी न्यूट्रिशन होती हैं, और अगर ये इसमें ही खाद मिल जाए तो जल्दी डिकम्पोज होगी, और इस वजह से मेरा जो पराली है उनका एक अच्छा खाद, ऑर्गेनिक खाद बन जाएगा। तो जितनी पराली में डाल सकता था हर टब में, जैसे वाटर डाल सकता था हर टब में मैंने उतनी डाल दी है, और भी बाकी हैं, और इन दोनों में भी डालनी है और लानी है और डालनी है, ताकि ये अच्छे से इसमें डिकम्पोज हो जाए। डिकम्पोज होने के बाद भी ये काफ़ी ह्यूमिस रहेगी और एरेशन प्रॉपर रूट का प्रॉपर होगा, इस वजह से ये सबसे बेस्ट है सबसे बॉटम में डालने के लिए। इससे वाटर ड्रेनेज की कोई प्रॉब्लम नहीं आती, और ये अच्छे से खाद भी बनेगा जो रूट्स के लिए काफ़ी न्यूट्रिशन प्रोवाइड करेगा। और मैंने अब यहाँ पे पानी डाल के रख दिया है, जिससे ये और इसका जो छोटा बहुत जो धान बचा होगा वो स्प्रॉट हो जाए। कैसा है कि अगर मैंने यहाँ पे मिट्टी डाल दी और ये स्प्रॉटिंग तब हुई, तो मेरा प्लांट्स जो न्यूट्रिशन एब्जॉर्ब करेगा, उसके बजाय ये जो स्प्रॉट हुए हुए धान होंगे वो उसे एब्जॉर्ब करेंगे। जैसे कि यहाँ अंदर बहुत सारे स्प्रॉटिंग है, अब मैंने उढ़ेल दिया है तो शायद से अब आपको दिखाई नहीं दे रहे या बहुत अंदर होंगे, बट ये पूरा का पूरा स्प्रॉटिंग हो जाए, उसके बाद इसकी एक मैक्सिमम लिमिट होगी स्प्रॉट होने की और ग्रो होने की, वो होने के बाद ये सड़ने लग जाएगा, और मैं इसमें कुछ टाइम इंटरवल में पानी देते रहूँगा जिससे इसमें और स्प्रॉटिंग हो, और इस पर अब जब मैं मिट्टी डालूँगा तब स्प्रॉटिंग नहीं होगी, और जो फंगस होगा जिसको जितना ग्रो होना है होने दीजिए, इसमें जितना भी मैं छांछ डालूँगा उससे अच्छे से डिकम्पोज हो जाएगा। और मुझे लगता है कि मार्केट से डिकम्पोज के लिए कुछ तो भी लाना चाहिए, जिससे मैं और जल्दी से डिकम्पोज कर पाऊँ।
फिर भी देखता हूँ मैं सर्च करके मार्केट में मुझे और क्या क्या मिल सकता है। तो आज के लिए बस इतना ही।